आईआईटी प्रोफेसर्स इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपके क्रिएट करते हैं गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि क्वेश्चंस को समझने में आपको समय लगता है, इजंट इट? और एक बार आपने क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके बाद सॉल्यूशन बहुत मिनिमम स्टेप्स में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। मेन क्या रहता है गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, जैसे ही क्वेश्चंस उन्होंने देखा इमीडिएटली वो सॉल्यूशन में जंप करते हैं, विदाउट क्वेश्चंस को रीड किए बिना ही, विदाउट क्वेश्चन के एक्चुअली क्वेश्चंस को समझे बिना ही। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, बहुत कॉमन मिस्टेक्स है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ। तो इन्हीं मिस्टेक्स को हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्यूशन में किस तरीके से अप्रोच करना है, किसी भी क्वेश्चंस को देख के किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस आपने देखा, अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कैसे कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना है, ये सारी एनालिसिस हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज में, जो कि बहुत जल्दी जेनिक अनस्टॉपेबल चैनल पे रेज्यूम होने वाली है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ चैनल को शेयर करिए, जिससे एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर सकें और इस सीरीज को एक इफेक्टिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।